अभिषेक क्लास 10th में पढ़ता था। पढ़ने में वह इतना तेज लड़का नहीं था और क्लास में बैक बेंचर्स की तरह पीछे बैठता था। इसके साथ ही वह थोड़ा मोटा लड़का था। कुछ दिनों बाद क्लास में अनाउंस होता है कि स्पोर्ट्स डे शुरू होने वाला है, तो सबको अपना नाम लिखवाना था कि कौन से गेम में कौन पार्टिसिपेट करेगा। उसी समय अभिषेक भी अपना नाम रेस में लिखवाता है। यह देखकर सभी लड़के उस पर हंसने लगते हैं। सबको हंसता देखकर अभिषेक बहुत दुखी हो जाता है। वह अपने मन में ठान लेता है कि वह यह रेस जीत कर रहेगा। अभी स्पोर्ट्स डे आने में 10 दिन बाकी था। वह रोज़ सुबह 5 बजे उठकर रेस की प्रैक्टिस करने जाया करता था और 10 दिन उसने बहुत कड़ी मेहनत की। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन रेस होने वाला था। सब लड़के लाइन में खड़े हो जा गए और अभिषेक भी खड़ा हो गया। सब लड़कों को पता था कि यह तो पक्का लास्ट आएगा। रेस की सीटी बजती है, सब लड़के दौड़ना चालू करते हैं, लेकिन वह सब क्या देखते हैं? अब से कुछ पल में ही अभिषेक सबसे आगे निकल जाता है और वह भी काफ़ी ज़्यादा, और अभिषेक रेस जीत जाता है और सब लड़के जो उस पर हंसते थे उससे माफ़ी मांगने लगे। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी दूसरों को कमज़ोर मत मानो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतनी क्षमता है कि वह कभी भी कुछ भी हासिल कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।